भेजो तबस्सुम को अपने घर और बोले तो हिस्सा दो, वरना उन पैसों की तरह ना आपकी बेटी को भी आग लगा देंगे। तुम कितनी जालिम सास बनोगी ना? सास बनने में अभी बहुत वक्त है, मगर बहू मैं बेमिसाली बनूंगी। अल्लाह शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। शहजादी, मेरा दिल तो खून के आंसू हो रहा है। मेरे बच्चे की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई है। इसीलिए कह रही हूँ अभी भी मौका है, शादी करवा दे मेरी अकबर से। अब्बा जी अकबर को सोने में तोल देंगे। ये तबस्सुम ने रात को जो हंगामा किया है ना, उसके बाद मेरी आंख ही नहीं लगी। मैं जरा थोड़ी देर अपनी कमर टिका लूं। जाओ तुम आराम कर लो, मैं भी आराम कर लूं। वरना उन पैसों की तरह ना आपकी बेटी को भी आग लगा देंगे। ये सब कुछ कहीं शहजादी ने तो नहीं किया? और शहजादी, अगर तू इसके पीछे निकली ना तो देख लेना, मैं तेरा नक्शा ही बिगाड़ दूंगी। मॉम आपको पता है, मैं जब जब ये किस्सा याद करती हूँ ना, मैं इतना ही हंसती हूँ। और वैसे भी अरसलान, इंस्टाग्राम फेसबुक मेरी कोई भी पोस्ट हो ना, तुम उन सब में हो। आई मीन यू've ऑलवेज बीन इन माय गुड मेमोरी। थैंक यू। अब चले ऑफिस, तुम्हारे घर पे लंच के चक्कर में 2 घंटे का ब्रेक हो गया है। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, तुमने अच्छे से लंच तो किया है? नहीं नहीं हंडी, पेट भर के खाया है। थैंक यू। बेटा पहले अक्सर तो तुम दोनों लंच ब्रेक पे घर आ जाया करते थे, बहुत मज़ा आता था। आज बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐसे ही आते जाते रहना। वैसे आपको पता है मम्मा, इनको तो अपनी मिसेज के हाथ का क्या चिकन कौरमा खाना था। I told him, let's go home, हम जाके शेफ से कोई अच्छा सा पास्ता बनवाएंगे, तब जाके ये राजी हुए, वरना तो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। लेकिन बेटा, बीवी को खुश करना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा चलो, I'll bring my bag and then हम वापस चलते हैं। अरसलान बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। एक्चुअली फरिया के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आए हैं, तुम अगर उसे मना लो शादी करने के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या हुआ कि तुम नहीं चाहते कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह? देखिए आंटी, मैं दिल से फरिया के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहता हूँ, लेकिन आप जानती हैं कि उसके दिल में मेरे लिए क्या जज्बात हैं। अगर मैंने फिर से कोई ऐसी वैसी बात की और वो जज्बाती हो गई तो आंटी मैं उसके जज्बातीपन से बहुत डरता हूँ। वो कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक भी जा सकती है। यही तो मसला है अरसलान, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस मसले का हल कैसे निकालूं। तभी तुमसे हेल्प मांगी। चलो लेट्स गो। चले आंटी, हम निकलते हैं, बस देर हो रही है। जरूर बेटा, आना दोबारा। ओके मामा, सी यू।